दलित समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार दीयां घटनावां नूं लै के बहुजन समाज पार्टी ने अज मानसा शहर विच रोश मार्च किया। अज दे रोश मार्च की अगुवाई बहुजन समाज पार्टी के सूबा प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी ते सूबा इंचार्ज कुलदीप सिंह सिद्धूगढ़ ने की। मानसा दीयां जिला कचहरियां तो लैके मानसा के सेवा सिंह ठीके चौक तक बहुजन समाज पार्टी ने यह रोश मार्च किया। उन्होंने कहा कि अज देश के अंदर दलतों के अत्याचार तहत जिथे 9 साल के बच्चे पानी के घड़े को हाथ लाने बदले मार दिता जाता है, उत्थे पंजाब अंदर माझवी सिख ग्रंथी को पेशाब पीने की घटना सामने आती है। उन्होंने इसके रोष वजो केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पार्टी प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी दलित वर्गों को पैरों में जुत्ती कह के साधी है ते आम आदमी पार्टी दलित लोगों को नलायक करार दे रही है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के हो रहे अत्याचार जेकर बंद ना होया तो इसके विरुद्ध बहुजन समाज पार्टी तिखा अंदोलन बिडेगी। पंजाब दे विच जिहड़ा जातिवाद वा वो बाकी देश तो सब तो ज़्यादा मैं मानदा। राजस्थान की घटना जिहड़ी तुसी गल कीती कांग्रेस की सरकार सी, कांग्रेस की उही सरकार सी जिहड़ी अज तो 5 महीने पहला पंजाब दे दलतां नूं पैरां दीयां जुत्तियां सददी रही है कि पैरां दीयां जुत्तियां सिर ते मुख्यमंत्री बना के बिठाती है। कांग्रेस का बयान सी, अज उसी कांग्रेस की हकूमत है राजस्थान दे विच और 9 साल का बच्चा कुट कुट के मास्टर ने मारता कि ये उच्च जाति दे पानी वाले घड़े नूं हाथ क्यों ला लिया। इस देश दे विच अज भी आजादी के 75 सालों देश का मजदूर गुलाम है, दलित गुलाम हुआ, पछड़िया श्रेणियां गुलाम हुआ। असी इस गुलामी नूं तोड़न दे लई अज जिहड़े पूरे पंजाब च एडे एडे वड्डे वड्डे इकट्ठ है जिहड़े वह कर रहे।